बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में चैप्टर 7 और हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में जो हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक इक्वेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। तो स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन में पहले हम इक्वेशन के बारे में जान चुके हैं और अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उससे पहले हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आज दोबारा इसमें देखते हैं कि फ़र्क क्या है दोनों में। तो दोनों में फ़र्क जानने के लिए इसकी पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डेफिनेशन है स्टूडेंट हमारे पास, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ मैथमेटिकल फ्रेज। फ्रेज होता है कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। फ्रेज क्या चीज़ है? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये कम्बिनेशन है। किस चीज़ का कम्बिनेशन है? नंबर्स का कम्बिनेशन है। वेरिएबल होते हैं इसमें और मैथमेटिकली ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन जो आप यूज़ कर रहे होते हैं प्लस माइनस। तो अब हम इसकी एग्जांपल फीड कर देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल में स्टूडेंट आ गया 4x। ये देखें, ये नंबर आ गया, ये वेरिएबल आ गया। फिर हम लिखेंगे 2a+6। ये हमारे पास देखें, ये वेरिएबल है, ये नंबर है, ये आगे कांस्टेंट वैल्यू आ गई। फिर हम और भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं, 1/3x+5। तो स्टूडेंट, ये इसमें ऑपरेशन यूज हो गया प्लस, और ये भी इसमें प्लस। कोई और मैं लिख देता हूँ, 3p-4। तो ये ऑपरेशन यूज हो गया, ये वेरिएबल, ये इसके साथ कोफिशेंट, ये कांस्टेंट, और ये इसका ऑपरेशन। तो ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट अलजेब्रिक इक्वेशन इज फॉर्म्ड बाई टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर कनेक्टेड बाई द साइन ऑफ इक्वालिटी इक्वल टू। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में तो पहले हमने अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन जो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलके अलजेब्रिक इक्वेशन बनती है। अब ये आप माइंड में रखिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क ये है कि अलजेब्रिक इक्वेशन बनती है जब दो डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेंगे और वो कनेक्टेड होते हैं इक्वल साइन के। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल होगी 2a=8। अब ये 2a और 8 जो है, ये दो डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कुछ और लिख देता हूँ मैं, 3x+5=17। तो ये भी दो डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कनेक्टेड है विद साइन इक्वालिटी, ये जो इक्वल टू मैंने साइन लगाया। और इसी तरह इटी से कोई भी इसकी और एग्जांपल हो सकती हैं। तो स्टूडेंट, आप इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें और लिख ले के याद कर लें। आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।